अभी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप ड्रेस मेरी वाली कि इस तरीके से अनाज पैदा करने में आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। Thank you.
तो दोस्तों अभी मुकेश और हम दोनों मिलकर के बाजरे को काट रहे हैं और अभी बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। शहर में भी लोग बाग मेहनत करते हैं, पसीना निकालते हैं, लेकिन वो एक्सरसाइज करते हैं और फिर पसीना निकालते हैं। हम लोग जो किसान लोग जो हैं यहाँ पे खेतों में काम करके और फिर पसीना निकालते हैं, तो एक तरह से कैसे यानी कि दोनों की एक्सरसाइज हो रही है, हमारी भी और उनकी भी। फ़र्क इतना है कि हम जो है रोटी कमाने के लिए पसीना निकाल रहे हैं, वो लोग रोटी को पचाने के लिए पसीना निकाल रहे हैं। तो भाई और बहनों, सिर्फ आप लोगों को एक छोटा सा मैसेज देना है कि इस तरीके से अनाज पैदा करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप लोगों से इतना ही मैसेज है कि खाने को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। फिलहाल इस खेत को तो काट दिया है, अब चलते हैं। इधर पानी पीते हैं। फिलहाल जो है खाना तैयार हो गया है हमारा, लस्सी है, प्याज है, अचार है, रोटी है और खेत में बैठ के खा रहे हैं मेहनत करके पसीना निकाल के, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी तो दोस्तों प्लीज़ आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। हम आप लोगों के लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाते रहेंगे, सिर्फ आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमें चाहिए। तो हमारे प्यारे भाई और बहनों, शाम ढलने को है तो अब घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब घर पे भी बहुत सारा काम है, तो खेत में काम कर लिया। आप लोगों से बस लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।